हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल S4F, शाहनाज फन फूड फैशन फिटनेस। और आज फूड में आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए, खास तौर पर बरसात में बनने वाला। बरसात में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। हरी मिर्च प्याज के साथ दरदरा कीमा, मोटा कीमा। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो मोटा कुटा हुआ कीमा, बिल्कुल रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। उसमें 1 किलो में कम से कम 100 ग्राम चिकनाई भी हो। आपको चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, आपको चाहिए नमक कितना चाहिए बीच रेसिपी में आपको मिलेगा, आपको चाहिए लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया क्वालिटी का अच्छी कंपनी का लाल मिर्च पाउडर लें या अपनी लाल मिर्च देकर उसे पिसवाएं तो सबसे अच्छा है। आपको चाहिए हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या आप अपनी हल्दी लेकर उसे धोकर सुखाकर तब पिसवाएं। आपको चाहिए धनिया, धनिया पाउडर अच्छी कंपनी का लीजिए या खुद पिसवाइए। आपको चाहिए थोड़ी सी, 2-4 पीस आपको हरी इलायची चाहिए, छोटी इलायची। आपको चाहिए जीरा, थोड़ा सा जीरा चाहिए, आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब। बीच रेसिपी में आप जब डालेंगे तब दिखाई दे जाएगा आपको। और आपको चाहिए लौंग, बढ़िया क्वालिटी की मोटी लौंग लीजिए। और आपको चाहिए काली मिर्च, काली मिर्च भी बढ़िया लीजिए, मिलावटी ना हो, पपीते के बीज ना मिले हो इसमें। और आपको साथ में चाहिए गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, बढ़िया कंपनी का, अच्छी कंपनी का गरम मसाला लीजिए। आपको चाहिए हरी मिर्च, 10-12 हरी मिर्च चाहिए बीच में डालने के लिए, और फिर लगभग 50-60 ग्राम मिर्च चाहिए फाइनल डिश के लिए। ये सारी मिर्च आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है, बहुत महीन भी ना हो जाए और बहुत मोटे भी ना रहे। आपको लेना है अदरक, अदरक का 1-1.5 इंच का पीस काफ़ी है, मोटा गोल ठोस वाला, जिसमें ब्रांचेस कम निकली हुई हो या ब्रांचेस ना हो, शाखाएं ना हो तो बहुत ही अच्छा है, पुराना अदरक लीजिए। इस अदरक को भी आपने लच्छा काट लेना है, पतला पतला लच्छा काट लेना, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत हल्का फुल्का, हल्का पता भी नहीं। और साथ में आपको चाहिए आधा किलो प्याज, 1 किलो कीमे के लिए आधा किलो प्याज चाहिए आपको, बढ़िया क्वालिटी की ताज़ी प्याज लीजिए। और इस सभी प्याज को आपने पतला पतला काट लेना है, जैसे सलाद के लिए काटा जाता है। शुरू करते हैं इसको बनाना। गैस चलाइए, गैस के ऊपर रखिए अपना प्रेशर कुकर, और अब प्रेशर कुकर में आप कीमा ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये कीमा पानी में थोड़ी देर भिगोया हुआ है, हल्के हाथ से निचोड़ते हुए इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सभी कीमा प्रेशर कुकर में आपको ट्रांसफ़र कर देना है, पानी में कुछ देर के लिए भिगोना उससे पहले। ये प्रेशर कुकर में कीमा आ गया। थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल होगा 50 ग्राम, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। और साथ में फिर आपको डालना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3-4 पीस 5 पीस आपको छोटी इलायची, हरी इलायची तोड़कर डालनी है। और फिर आपको डालना है 8-10 दाने काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 4-5 लौंग। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, चला दीजिए। गैस अभी फुल चला हुआ है इसके नीचे। ये थोड़ी सी हरी मिर्च, जितनी टोटल हरी मिर्च है उसमें से 10-12 हरी मिर्च यहाँ काट कर मिलानी है। 1 चम्मच आपका नमक लगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर बढ़िया क्वालिटी वाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी को आपस में मिक्स कर देना है और इसे चलाते हुए कुछ देर तक इसे पकाना है, अभी एक उबाल आने तक इसको खुले ही पकाना है। ये देखिए उबाल आ गया है, अभी 2-3 पत्ते आप तेज पत्ता डाल दीजिए और ये उबाल आ गया है इसमें। अब इसको प्रेशर कुकर बंद करके प्रेशर आपको लगाना है। प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए, उबाल आने के बाद प्रेशर आपको लगाना है और लगभग लगभग आपको 15 से 20 मिनट इसे पकाना है। ये पक चुका है पूरा। 1 चम्मच आपने डाल दिया इसमें गरम मसाला, गरम मसाला डाल दीजिए। और ये कटा हुआ अदरक है, सारा ही कटा हुआ अदरक मिला देना है। और ये बची हुई जो भी प्याज थी 50-60 ग्राम, सॉरी हरी मिर्च 50-60 ग्राम में से जो बची थी, वो ये सारी मिर्च आपको डाल देनी है। चलाइए एक बार। और अभी जो आपकी प्याजें आपने काट कर रखी हुई हैं पहले, ये सारी प्याज इसमें डाल देनी है।
ये आधा किलो प्याज है 1 किलो कीमे के लिए। अच्छे से इसे चला दीजिए, मिला दीजिए पूरी तरह से, ऊपर नीचे अच्छा सा मिल जाना चाहिए सभी प्याजें और सभी हरी मिर्च और अदरक भी। और अब इसे कुछ देर के लिए फिर से एक बार प्रेशर आपको लगाना है, जब तक ये प्याज हल्की सी गल जाए। ये देखिए सब मिल गया अच्छे से, और यहाँ प्रेशर कुकर में आप बंद कीजिए प्रेशर कुकर, और अब आपको प्रेशर लगाना है 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए इतने में आपकी प्याजें हल्की सी गल गई हैं, पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई और कच्ची भी नहीं रही। ये फाइनल डिश आपकी तैयार है। इसे सर्व करते हुए आप इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। गरम मसाला डालिए, थोड़ा बीच में डाल दिया था अंदर, थोड़ा सा सामने डालिए जब बिल्कुल आपको सर्व करना हो। बहुत अच्छी टेस्ट है, बड़ी टेस्टी लगती है बरसात के मौसम में खास तौर पर। दोस्तों आपके इस चैनल पर और बहुत सारी नॉन वेज डिश अवेलेबल है, और उनमें एक बहुत ही प्यारी डिश है कढ़ाई कीमा। कढ़ाई कीमा ये अभी घरों में कम बनता है, जबकि इसको बनाने की रेसिपी बहुत ही इजी है। आजकल ये सर्व होने लगा है फंक्शंस में, आप अपने घर बनाइए। बहुत ही टेस्टी डिश है, एक यूनिक डिश है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत सिंपल डिश है ये। दोस्तों मौसम चल रहा है ये बकरा ईद का, और सभी के घरों में इफ़रात है, और कबाब सभी के घरों में बनते हैं। एक नई रेसिपी से, इस रेसिपी से आप कबाब बनाइए, अंदर तक गले हुए पके हुए बहुत बढ़िया कबाब बनेंगे टेस्टी। ये कबाब है उबले हुए कीमे के, पके हुए कीमे के। इनको बनाने के लिए, शामी कबाब को बनाने के लिए पहले कीमा पूरी तरह से पका लिया गया है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, उसमें अंदर कच्चापन महसूस होता है। कीमे पके हुए कीमे के कबाब बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतना सॉफ्ट कि इनको उठाना भी मुश्किल पड़ता है। इस रेसिपी से आप बनाइए कबाब। ये है आपके लिए स्टू की रेसिपी, मजेदार मटन स्टू। मटन स्टू बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप चैनल पर रेसिपी देखिए, बहुत ही टेस्टी डिश है ये, और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है, मजेदार मटन स्टू। मजेदार मटन स्टू बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए। ये देखिए एकदम बहुत ही प्यारी डिश है, बहुत ही खूबसूरत डिश होती है, और टेस्ट भी इसका कोरमे से या दूसरी नॉन वेज डिशेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, बिरयानी 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 किसे पसंद नहीं भाई, बिरयानी सभी को पसंद है, नाम लेते ही मुंह में आप पानी आ जाता है। और अगर बिरयानी बन जाए कोफ्तों की, मीट बॉल्स की बिरयानी, ओहो तो मजा ही ना आ जाए। ये है बिरयानी आपके, मीट बॉल बिरयानी, कोफ्तों की बिरयानी। चैनल पर आपके ये डिश अवेलेबल है, ये रेसिपी अवेलेबल है, बनाइए खिलाइए अपने परिवार का दिल जीतिए, दोस्तों को खुश कीजिए। कोफ्ता कोरमा, कोफ्ता दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार कोफ्ते बनाते बनाते इतने टाइट इतने ठोस हो जाते हैं कि उनसे क्रिकेट खेल लो खाए ना जाए, खाने के लिए नहीं, वो क्रिकेट खेलने वाली बॉल बन जाती है। आप इस रेसिपी से बनाइए, आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए क्या खूबसूरती है, देखते ही मन चाह रहा है कहीं से खा ले अभी निकाल कर। कोफ्ता कोरमा, कोफ्ता कोरमा की डिश, कोफ्ता कोरमा की रेसिपी आपको चैनल पर मिलेगी, आप इसे देखिए बनाइए, बहुत आसान है, और सबको खिलाइए। ये कीमा, कीमे की कचौरी, दोस्तों बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम कचौरी पकौड़ी का मौसम होता है, और ऐसे में अगर कीमे की कचौरी मिल जाए तो हो मजा आ जाए। ये देखिए करारी करारी, एकदम करारी कीमा कचौरी, अंदर तक बिल्कुल अंदर से लेकर किनारे तक इकसार यूनिफॉर्म कीमा भरा हुआ, ऊपर से एकदम कुरकुरी करारी, और अंदर तक अच्छी तरह से सिकी हुई, अच्छी तरह से पकी हुई, किनारे तक ही पका हुआ है। कीमा कचौरी की रेसिपी देखने के लिए आप नॉन वेज प्लेलिस्ट में सर्च करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। जरूर बनाइए कीमा कचौरी, कीमा कचौरी सबको पसंद है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ जाएगी। और ये लीजिए, ये है चिली चिकन। दोस्तों आपने रेस्टोरेंट में और फंक्शंस में चिली चिकन खाया है, इस नई रेसिपी से चिली चिकन
बनाइए। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है टेस्ट में, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी है, ये आप रोटी के साथ भी बहुत खा सकते हैं और बिरयानी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों एक और बहुत ही यूनिक डिश जो आजकल लगभग हर प्रोग्राम में हर फंक्शन में सर्व हो रही है, नहारी या निहारी, निहारी कह लीजिए नहारी कह लीजिए एक ही बात है, पर निहारी एक्चुअल में नहीं बन पाती यहाँ हमारे आसपास मेरठ में, क्योंकि इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट होते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। बल्ली मारान पुरानी दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है जहाँ केवल निहारी ही बनती है, केवल निहारी ही बनाते हैं, उनकी निहारी का टेस्ट ही अलग है। उस जैसी निहारी बनाने के लिए आप चैनल पर देखिए रेसिपी, बहुत ही प्यारी डिश है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिश है। बनाते रहिए, खिलाते रहिए, देखते रहिए चैनल। शुक्रिया।